मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिमसेवा सुशासन की शानदार नजीर साबित होगी। ये हिमाचल सरकार की अंत्योदय को समर्पित योजना है, जिससे लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान तय होने के साथ ही शासन व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी फीडबैक मिलेगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिमसेवा सुशासन की शानदार नजीर साबित होगी। ये हिमाचल सरकार की अंत्योदय को समर्पित योजना है, जिससे लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान तय होने के साथ ही शासन व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी फीडबैक मिलेगी। मंडलीय आयुक्त मंडी विकास लाभ ने मंडी मंडलीय क्षेत्र के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिमसेवा की कार्यप्रणाली समझाने के लिए आयोजित कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लोगों की शिकायतों के तत्काल एवं स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान है। उनका जोर है कि लोगों को अपने कार्य के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, जन शिकायतों का घर द्वार पर समयबद्ध समाधान हो और लोगों को ये भी पता रहे कि उनकी शिकायत पर किस स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोक व्यवस्था का हिस्सा बने। अंत्योदय को समर्पित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिमसेवा शिकायत सूचना और सुझाव की त्रिवेणी का संगम होगी। पहला, इसके जरिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे, जिसका निर्धारित समय सीमा में समाधान तय होगा। दूसरा, सभी सरकारी योजनाओं की सूचना इससे मिल सकेगी, साथ ही लाभार्थी आवेदन भी कर पाएंगे। तीसरा, इससे शासन व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए जनता से सुझाव व फीडबैक मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने हिमसेवा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रदेश में वर्तमान में जन शिकायत निवारण की स्थापित व्यवस्थाओं की जगह नहीं लेगी, बल्कि उन सभी को एक धारा में जोड़ने का काम करेगी। जल्द ही मुख्यमंत्री 4 अंकों का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पर कॉल कर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। लोगों की कॉल सुनने के लिए शिमला में पूरी व्यवस्था के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें एक समय में एक साथ 60 कॉल सुनी जा सकेंगी। दर्ज शिकायत तुरंत संबंधित विभाग व अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसका तय समय में समाधान करना होगा। शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को SMS के जरिए पंजीकरण की जानकारी देने के साथ एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी साझा किया जाएगा। अधिकारी पोर्टल पर शिकायत देख पाएंगे तथा समाधान के बाद पोर्टल पर निपटारा दर्ज करेंगे। इसके उपरांत कॉल सेंटर से निवारण को लेकर संतुष्टि जानने के लिए शिकायतकर्ता को कॉल की जाएगी। उनके संतोष जताने पर शिकायत समाप्त होगी, अन्यथा अगले स्तर के अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत 4 स्तरों पर शिकायत के मामले पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें खंड स्तर, जिला स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा राज्य स्तर शामिल है। हेल्पलाइन की निगरानी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। ये हेल्पलाइन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यशील रहेगी। निर्धारित समय में समस्या का निदान न होने पर इसे अगले स्तर पर कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने हेल्पलाइन को लेकर विभिन्न अधिकारियों के सवालों का उत्तर देकर जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक निदेशक अनिल सेम्बाल ने हिमसेवा की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री के IT मैनेजर किशोर शर्मा ने कहा कि हिमसेवा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहितैषी सोच का प्रतिफल है। उन्होंने सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री के इस प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि to be very clear about it. अगर जो भी different type of grievances जो हैं, complaints जो हैं, वो आपके विभागों के सचिव और आपके HODs के साथ discussion के बाद list विभागों से ही आई है. Just to give you a background. दो या तीन चीज़ें इसमें clearly out हैं. There is no RTI. Very clearly, there is no RTI. RTI will not be entertained. Number one, no transfers and demands will be taken but kept for our analysis. कार्यक्रम में वक्त चला छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।